हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये मेरे ग्रीस के व्लॉग का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि आप सेंटोरिनी कैसे घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। इस भाग में मैं आपको बताऊंगी कि आप सेंटोरिनी से मिकोनस कैसे आ सकते हैं और वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिकोनस में आप कौन कौन सी जगह अपने ट्रिप में बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे, कौन सी ऐसी जगह है जहां से आप सनसेट बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और दुनिया के कुछ बहुत ही पुराने बेकरी या फिर कहें कैफे कहां पर है। तो मिकोनस अपने व्हाइट हाउसेस के साथ साथ फेमस है यहाँ के खूबसूरत बीचेस के लिए। तो यहाँ कैसे आना है और ये जगह कैसे एक्सप्लोर करना है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो ट्रिप का आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम हैं सेंटोरिनी में ही। कल हमने पूरा सेंटोरिनी घूमा था, तो आज हमारा बाकी रह गया था यहाँ व्हाइट हाउसेस के क्लिफ देखने का। तो आज हम अपने होटल से बस 5 मिनट्स वॉक पर आ गए हैं ये व्हाइट हाउसेस के क्लिफ्स देखने के लिए। तो रात को हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो जगह है ये हमारे होटल से इतनी पास है, नहीं तो हम यहाँ रात में भी आते, रात में भी यहाँ बहुत खूबसूरत लाइटिंग होती है, तो ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। आपकी ट्रिप में अगर पॉसिबल हो तो आप रात में भी आ सकते हैं। तो ये जो जगह है ये ओल्ड पोर्ट के पास है, जहाँ से काफ़ी सारे और भी टूर्स जाते हैं। तो यहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, ये फ़ोटो पॉइंट है, काफ़ी लोग यहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए, जहाँ से टैक्सी है, और वहाँ से हम जाएंगे फेरी, जहाँ से हमको जाना है मैकोनोस। तो जा रहे हैं अब हम न्यू पोर्ट, जैसे मैं पहले भी बताया वहाँ से हमारी फेरी है। तो होटल वालों से हमने कैब ले लिया है, जो 25 यूरोज़ में हमको न्यू पोर्ट तक ड्रॉप कर रहे हैं। इट वॉज़ अ लवली एक्सपीरियंस। ये न्यू पोर्ट, तो फेरी की टिकट आपको काफी एडवांस में बुक करनी पड़ेगी। हमने ब्लू स्टार से इसकी बुकिंग की थी। और ये देखिए, ये इतनी लंबी क्यू होती है यहाँ फेरी में जाने के लिए। यहाँ काफी सारे रेस्टोरेंट हैं, तो आप यहाँ से खाना पैक करा सकते हैं। अगर आप सेंटोरिनी कार से घूम रहे हैं तो आप अपने कार को यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये जो फेरी है ये 30 मिनट से 1 आवर तक डिले होती है। हम जब गए थे तब 1 आवर डिले थी। अंदर कुछ इस तरीके से आप सूटकेस रख सकते हैं, तो आप अपना ट्रिप थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा, ताकि आप अगर डिले भी हो गए तो आप भी आप अच्छे से मिकोनस घूम सकें। तो हमें अपर डेक की टिकट मिली थी, तो जो लोअर डेक होता है उसकी सीट्स कुछ इस तरीके से हैं। नीचे कुछ खाने के लिए भी अवेलेबल होता है, बट प्राइजेस काफ़ी हाई हैं, तो आप अच्छा हो कि पोर्ट में ही कुछ खाना पैक करा लें। और आप इसके ओपन डेक एरिया में जाना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा फनी और दिलचस्प बात थी इस फेरी की, उसका ये ओपन डेक एरिया था, जहाँ सीधा खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। और आप गलती से भी हैट मत पहनिएगा, क्योंकि यहाँ हैट उड़ जाएगा और आप उसे शायद मिस कर जाएं। तो मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जो फेरी है ये 2 घंटे लेती है मिकोनस पहुंचने के लिए। आप मिकोनस सेंटोरिनी से फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बट अच्छा होगा कि आप इस फेरी का एक्सपीरियंस लें। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए मिकोनस। तो जब आप मिकोनस के पोर्ट पहुंचे, आपके पास सी बस और यहाँ के पब्लिक बस का ऑप्शन है। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है। तो हमने अपने होटल से फ्री शटल का ऑप्शन लिया था। तो मिकोनस जो है ये पीक सीजन में काफ़ी महंगा होता है। देखिए यहाँ ऑलरेडी इतने सारे क्रूज हैं, लोग बाई प्लेन भी आते हैं, बस से भी आते हैं, और कुछ हमारे जैसे फेरी से भी आते हैं। इस वजह से यहाँ होटल प्राइजेस सेंटोरिनी से थोड़े महंगे हैं। अगर आप काफी एडवांस में अपना टूर प्लान करें तो आप ये जगह अपने बजट में भी घूम सकते हैं। ब्यूटीफुल होटल। अंदर से देखते हैं कैसा है। ब्यूटीफुल हाउसेस।
इस होटल में गैस भी था, कबर्ड्स भी थे कपड़े रखने के लिए, और काफ़ी साफ सुथरा होटल था। इसे चूज़ करने का हमारा एक ही रीज़न था क्योंकि ये एयरपोर्ट से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मिकोनस के किसी भी टॉयलेट में टॉयलेट टिश्यू पेपर फ्लश करना मना है। तो होटल में थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद हम चल पड़े हैं मिकोनस टाउन सेंटर। तो वहाँ हम पैदल जा रहे हैं, आप बस भी ले सकते हैं होटल के बाहर से। तो आप अपने होटल ओनर से पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपको बस मिल सकती है। तो गूगल में अगर आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी बस स्टॉप नहीं दिखाएगा होटल के पास, बट यहाँ बस हाथ दिखाने से रुक जाती है और उसके लिए आपको सेफ जगह पे खड़ा होना पड़ेगा। और ये है मेन मिकोनस टाउन बस स्टॉप, जहाँ से आपको अपने होटल के लिए, पैराडाइज बीच के लिए बसेस मिलेंगी। तो मिकोनस मेन टाउन घूमने के लिए अगर आप कार हायर करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप ऐसे तंग गलियों में फंस जाएंगे। आप बाइक हायर कर सकते हैं या फिर यहाँ तक कैब या फिर बस से आ सकते हैं। और चलते हुए हम पहुँच गए हैं यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि है विंड मिल। यहाँ 6 विंड मिल है जो अभी वर्किंग नहीं है। अगर आपने शाहरुख और रानी मुखर्जी की मूवी चलते चलते का गाना देखा होगा तौबा तुम्हारी ये इशारे, तो वो यहीं पर ही शूट किया गया है। विंडमिल देखने के बाद हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं लिटिल वेनिस की तरफ, बट अभी सनसेट होने में काफ़ी टाइम है तो हम सनसेट के टाइम यहीं पर आएंगे। बट उसके पहले हम सिटी में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर स्ट्रीट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं वो वाइट स्ट्रीट्स, आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा। और कुछ स्क्वायर हैं तो वो घूमते हैं हम पहले और फिर सनसेट के टाइम हम यहाँ पर आ जाएंगे। हुए यहाँ के चर्च भी देखने को आपको मिल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, वाओ, 1 फोटोशूट भी हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक वेडिंग फोटोशूट है। तो ये गलियों में, ये गलियां ही खत्म नहीं हो रही हैं, हमें जाना है मेंटो स्क्वायर, देखना है कि कहाँ मिलेगा। बट ये गलियां भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, बहुत सारे यहाँ शॉप्स हैं। और ये है मैकनस का गली, ब्यूटीफुल बस। तो आदि को यहाँ क्या खाना है, आइसक्रीम, देखते हैं टेस्ट कैसा है। वाह, दिख तो डिलीशियस है। हैप्पी आदि? तो यहाँ की गलियाँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो ना GPS आपको समझ में आएगा, बेटर है आप कोई शॉप वाले से ही रास्ता पूछें कि आप कैसे स्क्वायर तक पहुँच सकते हैं और लिटिल वेनिस तक। आई होप हम अब राइट डायरेक्शन में हैं और पहुँच जाएंगे। और ये यहाँ का फेमस डिस्को बार है जो रात में यहाँ डिस्को होता है डेफिनेटली, तो अगर आप इसके शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। किसी से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि मेंटो स्क्वायर वहाँ पर है, यहाँ से 1 मिनट वॉक है। फाइनली हम पहुँच गए। और ये है यहाँ का मेन स्क्वायर, इतना चल के आने के बाद यहाँ दिखा। यहाँ से अब हम देखते हैं वुडन बेकरी की साइड है और GPS दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में है वुड बेकरी। चलिए देखते हैं।
तो इतनी सारी छोटी छोटी तंग गलियां हैं यहाँ पर, है तो बहुत खूबसूरत, बट अगर आपको कहीं जाना है तो ये आपको कंफ्यूज ज़रूर कर देंगी। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के भी शॉप मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मेकिनस छोटी सी जगह है तो यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिलती हैं, इनफैक्ट यहाँ काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं। सारे शॉप्स यहाँ ब्रांडेड हैं, हैंडमेड क्रॉकरीज है। वाह, ये तो इंडियन लग रहा है पगड़ी पहन के, ब्यूटीफुल। शॉप एंड शॉप एंड शॉप, वाह, सो कॉस्टली वॉचेस भी हैं यहाँ पर, एक्सपेंसिव वॉचेस। मिकनेस में आपको बहुत सारे कैट्स देखने को मिलेंगे, तो इस आइलैंड में कैट्स बहुत हैं। सो वुडन वॉचेस, नाइस कलेक्शन। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1420। वाह, यस, वाह, बेकरी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या खाएंगे यहाँ पर। इतनी पुरानी बेकरी है ये ग्रीस की, तो कुछ तो टेस्ट जरूर करेंगे। तो हमने एक स्पिनिच चीज लिया है, तो वो माइक्रोवेव में गर्म करके भी दे रहे हैं और हमने सोचा है कि हम यही खाते हैं। आदी कंफ्यूज है कि आदी को क्या खाना है। वाओ, डिलीशियस स्वीट। वन यूरो। और इसके पीछे में डाइनिंग एरिया है, आप यहाँ बैठ के चार्ज चुका है और आदि को चिकन खाना है। क्यों आदि? ओके, लेट्स सी। चिकन तो पिस्ता वाला मिठाई है, 1 यूरो 50 की, एंड ये है 4 यूरो का। चलिए टेस्ट करते हैं आदि का चिकन। ये आदि आनंद खाना भी स्टार्ट कर दी मेरे बिना, और कितना अच्छा, देखो कोई प्लास्टिक यूज नहीं किया इन्होंने। वाओ, क्या कर रहा था जी? हैप्पी बर्थडे। कैसा है टेस्ट? टेस्ट कैसा है? अच्छा है। तो इसके बाद हम चल पड़े थे लिटिल वेनिस की तरफ, और जाते जाते इन गलियों में भी घूमते हुए जाएंगे जो कि उतनी ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ आप अनगिनत फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। पहुंच गए हैं हम लिटिल वेनिस विंडमिल के पास, इसी जगह पे जहाँ से हमको सनसेट देखना है। टाइम पे हम आए हैं, आज यहाँ जगह खाली है। कल जैसे कि हम संतोरिनी में सनसेट देख रहे थे तो जगह ही नहीं मिल रही थी, बट आज यहाँ काफ़ी जगह है। आप यहाँ चेयर भी ऐसे ले सकते हैं। यस आदी, और आज भी एक्साइटेड है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो यहाँ आप ये चेयर भी ले सकते हैं बैठने के लिए, आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा उसके लिए। वाओ, ब्यूटीफुल। आप विंड मिल से भी सनसेट देख सकते हैं, बट आई थिंक ये जो जगह है ये परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं सनसेट और उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम बाई बस जा रहे हैं कि बाई कैब, अभी हमको नहीं पता कि बस हमको हमारे होटल तक मिलेगी कि नहीं।
आगे देखने के लिए कि हमारे साथ आगे क्या होता है। और सनसेट देखने के बाद हमने सोचा कि डिनर कर लिया जाए और ये जो गलियां थी इसे रात में भी देखा जाए, क्योंकि रात में ये गलियां टोटली डिफरेंट दिखती हैं जैसे ये दिन में दिखती हैं। और चलते चलते कुछ और भी ब्रांडेड शॉप मिली। अब जैसे ये छोटा सा एक चश्मा है जिसका प्राइस है 312 यूरोस, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 28,000 to 30,000 rupees का है। तो चलते चलते हमें डोमिनोज मिल गया और हमने वहाँ पर एक वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और जब हम निकल रहे थे, आप यहाँ का ट्रैफिक देखिए, और इसी वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पर कार लाना अच्छा आइडिया नहीं है, आप बाइक से आइए या फिर ATV से आइए। बट हाँ, आप रात में भी लिटिल वेनिस और ये जो विंड मिल का नज़ारा है ये देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और ये जो टाउन में बस स्टॉप है इसका नाम है फैब्रिका और ये इसका टाइम टेबल है। और हमें हमारे होटल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया जो कि बहुत ही चीप था, ओनली 2 यूरोस पर पर्सन। तो बस वाले को आप अपने होटल का नाम बता दीजिएगा और वो आपको आपके होटल के पास ही ड्रॉप कर देंगे। तो अगर आपके पास बड़े लगेज है तो आप बस में भी रख सकते हैं, बट ये फैसिलिटी ओनली बस स्टॉप में ही अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम चल पड़े थे पैराडाइज बीच की तरफ। तो होटल से निकलकर हम सेफ प्लेस देखकर रोड के राइट हैंड साइड में खड़े हुए, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। बस में कार्ड पेमेंट नहीं होती है तो आप अपने पास चेंज रखिएगा। और 15 से 20 मिनट में ही हम पहुंच गए पैराडाइज बीच के बस स्टॉप में। और इसके मेन गेट में ही हमको दिख गया इंडियन रेस्टोरेंट जाने का रास्ता। तो पैराडाइज बीच में भी काफी होटल्स हैं जहां आप स्टे कर सकते हैं। वाह, फाइनली हम लोग आ गए हैं पैराडाइज बीच और बहुत ही खूबसूरत है। वाह, यस, और वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो है इंडियन रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं बीच के किनारे से या फिर मेन रोड से भी जा सकते हैं। सनबेड यहाँ पर फ्री नहीं होते हैं दिन के टाइम, आपको उसके लिए 25 यूरोस देने होते हैं पर सनबेड, बट इवनिंग में यहाँ पर फ्री होता है। तो हम अपने साथ प्लास्टिक के मैट्स लेकर गए थे और वही बिछा कर हम यहाँ पर बैठ गए। तो अगर आप मिकोनस आए और पैराडाइज बीच ना आए तो आपका ये सफ़र अधूरा रहेगा। तो पैराडाइज बीच आप अपने टूर में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो बीच में काफ़ी देर नहाने के बाद हम थक गए थे तो हमने यहाँ पर फ्रेश जूस पिया। यहाँ जो शॉवर है वो फ्री था, ये अच्छी बात थी। और मेरे बेटे को दिख गया यहाँ पर पास्ता तो उसे पास्ता खाना था। और इसके बाद हम डायरेक्टली जाने वाले थे इंडियन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था और वहाँ से जो व्यू था वो रेस्टोरेंट से भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर 90s के गाने चल रहे थे, दिल के और साजन के, तो हमें लगा कि हम शायद इंडिया में ही बैठे हुए हैं। और आप यहाँ से व्यू देखिए पैराडाइज बीच का, इतना ज़्यादा खूबसूरत था। तो हमने यहाँ खाना खा के अपने फ्लाइट के लिए भी खाना पैक कर लिया और फिर होटल से हम अपना लगेज कलेक्ट कर पैदल चल पड़े एयरपोर्ट के लिए। तो ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं एयरपोर्ट वॉक करके गई, क्योंकि जो होटल था वो बहुत ही ज़्यादा पास था एयरपोर्ट से। तो मिकोनस का 2 दिन 1 रात का सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा। और इसके बाद आप देखेंगे ग्रीस का थर्ड पार्ट जिसमें हम गए मिकोनस से एथेंस। एथेंस जो है ये दुनिया के कुछ बहुत ही पुराने शहरों में से एक है। तो एथेंस हम कैसे घूमें और अपने बजट में कैसे घूमें ये जानने के लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो फिर से मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।